इधर आओ ताकि हम इस खूबसूरत चेहरे को करीब से देख सकें। मां पैकर, मलिका, हम जानते हैं खलवत में वो नहीं हुआ जो हम चाहते थे, तो फिर सुबह तक बातें क्या हुई? हमसे खुलकर कह सकती हो? माँ पैकर, हम तुमसे अपने खानदान का वारिस चाहते हैं, बस। सिर्फ बातें की हमने, और उसके बाद सुल्तान सो गए। इसका मतलब है कि तुमने हमारे पोते को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। सफिया सुल्ताना, आप वेनेडिक वाली सूफिया और उसके बाद सफिया सुल्ताना बन गई। आप आखिर कैसे भुला सकती हैं अपना खानदान? यकीन का खेल है। वेनेडिक वाली सूफिया ने किस्मत पे यकीन किया तो ही दुनिया को फतह किया और सफिया सुल्तान कहलाई। क्या यहां की लड़कियां अपनी मां बाबा को याद नहीं करती? वो लोग नहीं जानते कि जुदाई क्या है, लेकिन मैं जानती हूं, कैसे भूल जाऊं? मैं आपसे भीख मांगती हूं, मुझे मेरे घर भिजवा दें। उड़ना तो परिंदों की फितरत में होता है, लेकिन जिसके पर कट जाए वो क्या करे? उड़ना चाहती हो, कबूल। तुम्हारा माजी जिंदा रहे, ये भी कबूल, मगर अपने माजी की तरफ लौटने के लिए तुमने क्या किया? कुछ नहीं। लेकिन अब तुम्हारे पास एक मौका है, और माँ पैकर, ऐसे मौके बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, सुल्तान को वारिस दो और हुकूमत करो। औरत जहां चाहे घर बना सकती है। बुलबुल आगा, ये पिंजरा इसकी जहानत से महल में तब्दील हो सकता है, समझा तो इसे। कोई फायदा नहीं मेरी मलिका, जब तक इस पिंजरे की अजियत इसका दम ना निकालती ये नहीं समझेगी। बात सुनो लड़की, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम किस तरह से बात कर रही थी उनसे? अब मैंने क्या कर दिया है? तुम एक गुलाम पैदा हुई थी, दिमाग इस्तेमाल करती तो पहले ही दिन जान जाती। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। क्या तुमने खत भिजवा दिया? वादा किया था तुमने मुझसे। ये सब इतना आसान नहीं है, मुनासिब वक्त देखकर भिजवा दूंगी। चलो यहां से आ जाओ। मेरी सुल्तान, हमें फौरी यहां से निकलना होगा। कारा सईद साहिल पर हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए। मुझे नहीं पहना, उठा उसे। मुस्तफा, मेरे प्यारे भाई, मैंने तुमसे क्या कहा था? ये खेल है, और इस खेल में हमें बुरे लोगों से छुपना है। तुम चाहते हो कि वो हमें पकड़ लें और जीत जाएं? अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो क्या करेंगे? चलो अब ये पहन लो। चलो अब
चलिए। देख के नहीं चल सकते क्या? खैरियत तो है मूसा पाशा, कहाँ का इरादा है? हट जाओ रास्ते से, जाने दो हमें यहाँ से। छोड़ो हमें, छोड़ो मुझे, अम्मी, अम्मी, छोड़ो। हमारे आका आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। खबीस, सुल्तान ने तुमसे मुआहिदा किया है?
हलीमा सुल्ताना एक हसास खातून है और जबकि तुम आले उस्मान के कुत्ते हो। जिस तरह तुम सब हुआ करते थे। देखो कारा सईद, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो शहजादे की जान जाएगी तुम्हारी वजह से, या फिर तुम यहां से बच के निकल जाओगे। फैसला तुम्हारा है, ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। समझदार हो, इब्ने कलंदर को सलाम कहना मेरा अनकरीब मुलाकात होगी। जरूर मुलाकात होगी। मेरे आका, मुझे पता चला है कि शहजादे मुस्तफा कई दिनों से लापता है महल से। यह राज राज नहीं रहा अब। फिक्र मत कीजिए खानजादे, पता लग जाएगा। आज नहीं तो कल हम शहजादे तक पहुंच जाएंगे। देर हो गई है दरवेश आका, आपको तो उसी दिन ढूंढ लेना चाहिए था जिस दिन वो फरार हुए थे। खानदान आले उस्मान की बात थी आखिर। शुक्र है मुझे फौरन खबर हो गई और हमारे आका को मैंने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे शहजादे मुस्तफा, हलीमा सुल्ताना और उनके मददगार मूसा पाशा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इजाजत दीजिए। आखिर समझती क्या हो तुम अपने आप को? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहजादे को यहाँ से ले जाने की? भाई मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। अम्मी, मेरे आका आपने वादा किया था, सबके सामने आपने वादा किया था, आपने कहा था कि आप अपने भाई की जान बख्श रहे हैं। क्या ये बादशाह की शान है कि वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी करे? क्या कोई बादशाह अपना वादा तोड़ता है? इस फैसले की वजह भी तुम ही हो हलीमा। मुस्तफा मेरा भाई है, भाई। मैं समझी आपने फतवा मंगवाया है और इसकी जान ले लेंगे। जंदा में डलवा दो इन्हें। दिलरुबा को उसके हुजरे में बंद कर दो। और मूसा पाशा का फौरन। मेरे आका बख्श दीजिए, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूं। सर तन से जुदा कर दो। रहम कर दीजिए आका, बख्श दीजिए मुझे, बख्श दीजिए। मुझे किस चीज की सजा दे रहे? मेरा क्या गुनाह है? अपने बेटे की हिफाजत की इसलिए? एक औलाद को तो खो चुकी हूं मैं। कितने बेरहम थे आपके वालिद। अपने भाई को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? मेरे आका अपने बच्चे की जान की भीख मांगती हूँ आपसे, इस पे रहम कीजिए। मुझे छोड़ के नहीं जाए।
जालिमो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, वो भी बहुत छोटा है। छोड़ दो इसे। अम्मी, मुझे छोड़ के मत जाए। अम्मी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, भीख मांग। ये क्या करेंगे? ये अपने आका के हुक्म की तामील करेंगे। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए, ये गलत है। मुंह बंद रखो अपना, ये बादशाह का फैसला है। बादशाह के फैसले के खिलाफ तुम्हारे बोलने की क्या औकात? जन्नत, क्या लड़कियों की तरबियत इस तरह की जाती है? चलो यहां से, क्या तमाशा लगा रखा है। मेरे आका, रहम कीजिए मुझ पर, बख्श दीजिए, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूं। माफ कर दीजिए मेरे आका, मुझ पर तरस खाइए मेरे आका, मेरे आका माफ कर दीजिए, मैं रहम की भीख मांगता हूं। तरस खाइए मुझ पर, रहम कीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। अब हम क्या करेंगे सफिया सुल्तान? आज नहीं तो कल आका जरूर शहजादे के कत्ल का हुक्म दे देंगे। तुम्हारा क्या कहना है? अगर आप कहें तो मैं शेखुल इस्लाम के पास जा सकता हूँ। आप तो जानती हैं, मुफ्ती साहब के फतवे के बगैर कत्ल नहीं हो सकता। अकलमंद सुल्तानों के ऐसे ही अकलमंद खिदमतकार होते हैं। आप अपनी इस खिदमत के व शुक्रिया के मुस्ताहिक हैं शाहीन ग्रह, इस एहसान के लिए आपको याद रखा जाएगा। खानदान आले चंगेज और खानदान आले उस्मान एक दूसरे से मुखलिस और मौविन रहे हैं हमेशा। आपके दोस्त को दोस्त, दुश्मन को दुश्मन मानते हैं। वाह, यह अगर कोई मुनासिब वक्त होता तो आपको जरूर कुछ नवाजते। सुल्तान, मैं 41वें दस्ते का हवालदार अब्दी आगा, मेरी इस गुस्ताखी को माफ कीजिए, लेकिन आपके सिपाही, आपके गुलाम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। कहो अब्दी आगा, मेरे गुलाम क्या चाहते हैं? आपके गुलाम दस्तूर के मुताबिक ताजपोशी की बख्शिश का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही आजकल काफी नाखुश हैं। क्या यही सूरत हाल है आगा? मैं सच सुनना चाहता हूं। मैं आपका गुलाम इस्तांबुल दस्ते का आगा जुल्फिकार।
मेरे आका, सच है कि तमाम फौजी बख्शिश के इंतजार में हैं। लेकिन आपके जानिसारों के लिए उनके बादशाह की कही हुई बात कई ज्यादा कीमती और काफी है हमेशा से। गुलामों से कह दीजिए आगा, वो फिक्रमंद बिल्कुल ना हो। मिस्र से खजाना बहुत जल्द आने वाला है, हम सही कह रहे हैं ना कासिम पाशा? जी मेरे आका, खजाना लाने वाले याओज अली पाशा बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह उसी दिन ताजपोशी की बख्शिश दी जाएगी। हमारे रब ने हमारी दुआ सुन ली अहमद, आखिर शहजादे मुस्तफा हमारे हाथ आ गए हैं। अब ये काम खत्म करो। इस बारे में हमारे ख्याल अच्छी तरह जानते हैं आप। कत्ल मुनासिब नहीं है। हमारे पास और कोई शहजादा नहीं। मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, यही खौफ है ना आपको? अल्लाह मुहाफिज है, लेकिन हुकूमत चलाने के आदाब हमें यही सिखाते हैं कि हर इम्कान के बारे में सोचना जरूरी है। शहजादे मुस्तफा का फरार होना और दुश्मन के हाथ लग जाना, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? यह सब कुछ वक्त पे छोड़ दो अहमद। अहम बात यह है कि तुम्हारी कनीजों में से किसी एक के यहां भी बेटे की विलादत हो जाए तो सब जान लेंगे कि यह खानदान तुम्हारे नाम से आगे बढ़ने वाला है। अगर मैं शहजादे मुस्तफा के कत्ल का फरमान जारी कर दूं तो इस पे क्या रद्दे अमल होगा आपका? यकीनन हमारा कलेजा छलनी हो जाएगा। लेकिन अगर किस्मत यही है तो हम बेबस हैं। इससे आगे आप जाने। मैंने तय कर लिया है, मुफ्ती साहब का फतवा आते ही शहजादे मुस्तफा के कत्ल का फरमान जारी कर दिया जाएगा सुल्ताना। सफिया सुल्ताना को आप पर पूरा एतमाद है और इस बात का यकीन है कि आपके तमाम इकदामात और तमाम फैसले हुकूमत के मफाद में होते हैं। सफिया सुल्ताना ने दुआ की दरखास्त के साथ ये नजराना भी भिजवाया है। रब सफिया सुल्ताना को जवाल ना दिखाए कभी और हम सबको हक के रास्ते से कभी भटकने ना दे। आमीन। सनाउल्ला साहब। नसरू आका। शेखुल इस्लाम साहब। खैरियत तो है सनाउल्ला साहब, आज आपने कैसे तकलीफ की? शहजादे मुस्तफा पकड़े गए हैं फरार होते हुए, इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करने हाजिर हुआ था। कोई जरूरत नहीं है, तुम समेत इस पे हर कोई राय दे चुका है सनाउल्ला, अब फैसले का वक्त है। कल रात एक लड़की को भिजवाया था आका के पास, लेकिन आका ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। या अल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए हरगिज़। कोई तरकीब करनी होगी।
जितनी जल्द हो सके वारिस की विलादत होनी चाहिए। इसे हमारे हुजूर पेश करो। मेरे आका, आओ दरवेश, देखो मैंने क्या मंगवाया है। चंबेली, अनस्तासिया को इसकी खुशबू बहुत पसंद है। उनका नाम आते ही आपकी आंखें चमक उठती हैं। खातून ने आपको खासा मसरूर कर दिया है। दर हकीकत उसमें बहुत गुस्सा है। जबरदस्ती यहां लाए जाने की वजह से वो सबसे नाराज है, और मुझसे तो कहीं ज्यादा। आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन हमें जिसका इंतजार था वो जवाब आ चुका है। पढ़ो। अलजवाब, शहजादे जीवान बख्त मुस्तफा साहब क्योंकि खानदान अलुस्मान के वाहिद शहजादे हैं, और यही वजह है कि उनका कत्ल करना मुनासिब नहीं है। मेरे आका दरवेश, एक बहुत अहम मामला दरपेश है आगा मुफ्ती साहब के सिलसिले में। मैं समझता हूँ इसका इल्म होना चाहिए माबदौलत को। शेखुल इस्लाम का फैसला जो इस वक्त आपके हाथ में है, वो फैसला जेरे असर लिखा गया है। ये कौन है आपा? यहां क्यों लाए हो मुझे? क्या कोई गलती हुई है मुझसे? खामोश रहो लड़की, इस वक्त तुम वालदाए सुल्तान के सामने हो। आखिर इस महल में कितनी वालदाए सुल्तान हैं? सिर्फ एक हैं, और वो है हमारे आका अहमद की वालदा, खानदान सुल्ताना। अच्छा, तो आप अहमद की वालिदा हैं। ये बताओ लड़की, तुम हो कौन जो बादशाह को नाम लेकर पुकार रही हो? माफ कर दीजिए मुझे। खास तौर पे लाई गई है तो अपने आप को इस महल की बाकी कनीजों से अलग ना समझ। वदूदा, हमारा बेटा इस पर मुल्तफित है, लिहाजा हमने सोचा कि इसे जांच लिया जाए। खासी कम अक्ल है, इसकी तरबियत आसान नहीं। माफ़ेरोज को तैयार करो दोबारा, इस दफा उससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका हुक्म मलिका। होशियार, सुल्तान अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि यहां तशरीफ ला रहे हैं आप। अगर खबर होती मेरे यहां आने की तो क्या करते मुफ्ती साहब? क्या भागकर सफिया सुल्ताना को खबर करते? आपके जहन में क्या चल रहा है जानता हूं मैं।
शायद कम उम्र की वजह से आप मुझे बादशाह नहीं समझते। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं आका। मेरी इतनी जुर्रत कहाँ? अगर बिल्कुल ऐसा ही है तो मुफ्ती साहब, ये जुर्रत कैसे की आपने हमारे आका के खिलाफ जाने की? आप अपनी हद में रहे दरवेश। मेरा काम है अपने इल्म की रोशनी में फैसले देना, और अक्सर उलमा मुत्तफिक है मुझसे इस मसले पर। मेरे आका, अभी तक कोई औलाद नहीं है आपकी। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो फिर इस हुकूमत आलिया का क्या होगा? आप जिस हुकूमत के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं उसी का बादशाह हूं मैं। आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, मेरी मर्जी का फतवा, बाकी आप समझदार हैं, फैसला आपका है। मेरे आका, आपको मेरे किसी फतवे की जरूरत नहीं। वैसे भी कदीम कवानीन को मद्देनजर रखते हुए फरमान बादशाह का ही मुस्तनद है। कवानीन को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं मैं, और आज आपके बारे में भी बहुत अच्छी तरह जान चुका हूं। समझदार हैं आप। काश कई साल पहले ही तुम्हें यहां डाल दिया होता, फिर शायद तुम्हारे बेटे की जान पर नहीं बनी होती। आप होती तो आप क्या करती? अगर आपके इकलौते बेटे की जान खतरे में होती तो आप उसे बचाने के लिए क्या करती? क्या कदीम दस्तूर बिल्कुल भूल गई तुम? याद करो वो वक्त जब एक को तख्त की रोशनी मिली तो 19 को कब्र के अंधेरे में उतरना पड़ा। जिनमें से एक में हमारे सबसे छोटे बेटे थे। उस वक्त कमजोर थी आप, लेकिन अब क्या आपकी हिकमत पे कोई सवाल कर सकता है? मेरी मलिका, भीख मांगती हूं, मदद कीजिए मेरी। हर इंसान के साथ खुशबख्ती और बदबख्ती होती है, जो पैदाइश के वक्त से लेकर आखिर तक उसके दाएं बाएं चलती है। इस बच्चे की बदबख्ती क्या है जानती हो? इसकी मां सफिया सुल्ताना, क्या आप में जरा सा भी जमीन नहीं? आपके दिल में जरा सा भी रहम नहीं, मोहब्बत नहीं? आप हर शख्स को बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन मुझे हरगिज नहीं। अहमद के खिलाफ मेरे बेटे को इस्तेमाल करना चाहती हैं, और इसीलिए चाहती हैं कि वो जिंदा रहे। खुदगर्ज औरत। लफ्ज मोहब्बत बहुत ही मीठा है, तो मैं उसी मोहब्बत की मिठास को अपने लफ्जों में पेश करता हूं। शायद तुम्हें मेरी शायरी पसंद आए। मेरे ख्याल से तुम अच्छी शायरी करते होगे। नहीं, अभी सीख रहा हूं। पुराना महल आपकी राह तक रहा है। आ! आ! आ!
जल्लाद को खबर कर दो। आज काम हो जाना चाहिए। मैं मरने वाला हूँ क्या? वो लोग क्या मुझे मार देंगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मी रो मत, तुम शेर बेटे हो मेरे। चलिए खातून, बस बहुत हो गया।